आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको जांच सॉरी अन्वेषण जांच और विचारण इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल बताने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल बताऊं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने से इनकार कर सकता है? यदि हाँ तो कब और किस धारा में? प्लीज इसका उत्तर आप इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए कर दीजिए। और नहीं पता है तो मैं वीडियो के लास्ट में इसका उत्तर बताऊंगी। प्लीज मेरे साथ बने रहिए। अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन दंड संहिता की धारा जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 ज या 2H में इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां हैं जो संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाए। मतलब क्या? इन्वेस्टिगेशन में वे सब कार्यवाहियां आती हैं जो या तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे मजिस्ट्रेट इस निमित्त प्राधिकृत करता है, एथराइज करता है। और उद्देश्य क्या होता है? साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है। लेकिन कार्यवाही कैसी होनी चाहिए? संहिता के अधीन होनी चाहिए। अतः इसके आवश्यक तत्व है कि अन्वेषण में वे सब कार्यवाहियां आती हैं जो या तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इस उद्देश्य के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, एथराइज किया जाता है। फिर तीसरा कहता है प्रयोजन क्या है, तो कह रहा है कि साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। और फिर चौथा कहता है संहिता के अधीन जो प्रक्रिया है उसके अनुसार होनी चाहिए। एक केस आया था उच्चतम न्यायालय का HN ऋषभ नाम दिल्ली राज्य AIR 1955 SC के बाद में अन्वेषण के संबंध में प्रावधान किया गया था कि बताया गया था कि उसका क्रम क्या होता है अन्वेषण का। तो कहता है कि अपराध जहां घटित हुआ हो उस स्थान की तरफ जाना होता है या अपराध से संबंधित तथ्य और परिस्थितियों का पता लगाना होता है, अभियुक्त को खोज करके गिरफ्तार करना होता है, साक्ष्य को एकत्रित करना होता है और निष्कर्ष होता है। मतलब अपराध जहां गठित हुआ है उस स्थान पे जाकर क्या कर रहता है, तथ्य और परिस्थितियों का पता लगाता है, अभियुक्त की खोज करता है, उसे गिरफ्तार करता है, अन्वेषण सारी साक्ष्य को एकत्रित करता है और निष्कर्ष लिखता है। अन्वेषण के संबंध में एक और केस आई थी जमुना चौधरी बनाम बिहार राज्य AIR 1974 है SC। इसमें न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मामले की गहराई तक जाकर सत्यवाद का पता लगाना, मतलब मामले के तह तक जाकर सत्यवाद की खोज करना अन्वेषण का उद्देश्य है। अब आती है बात कि इन्क्वायरी क्या है, जांच क्या है। तो संहिता की जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G या फिर 2-6 में जांच के बारे में प्रावधान किया गया है। जांच से अपरेत है विचार से भिन्न प्रत्येक ऐसी जांच जो संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। मतलब क्या कह रहा है कि जांच के अंतर्गत विचार से भिन्न वो सब जांच आती है जो संहिता के अधीन कौन करता है, या तो मजिस्ट्रेट करता है या न्यायालय करता है। अर्थात जांच के अंतर्गत वे सभी जांचें आती हैं जो या तो मजिस्ट्रेट करता है या न्यायालय करता है, संहिता के अधीन होती है लेकिन वह विचारण नहीं होती है। ठीक है, मतलब क्या कि या तो मजिस्ट्रेट करेगा या न्यायालय करेगा, संहिता के अधीन जो प्रक्रिया है उसके अनुसार होनी चाहिए लेकिन वह विचारण नहीं होनी चाहिए। एक केस आया था लक्ष्मी ब्राह्मण बनाम स्टेट 1976 का। इस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि जांच के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां शामिल होती हैं जो मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई के दौरान की जाती है और जांच का मुख्य उद्देश्य किसी तथ्य की सत्यता का निर्धारण करना होता है। क्या कहा गया कि जो है जांच के अंतर्गत वे सभी कार्रवाई आती है जो मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई के दौरान की जाती है और जांच का उद्देश्य क्या है कि किसी तथ्य की सत्यता का निर्धारण करना।
ठीक है। अब क्या है कि सामान्य भाषा में जांच क्या होती है, तो जब जब अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ कार्यवाही की जाती है या न्यायालय द्वारा कुछ कार्यवाही की जाती है। जब तक आरोप की विवेचना नहीं हो जाती, उसके पहले की जो भी कार्यवाही होती है उसे जांच कहते हैं। जो ही आरोप की विवेचना हो जाती है तो कार्यवाही क्या है कि इंक्वायरी से ट्रायल में बदल जाता है। आरोप की विवेचना होने के पश्चात विचारण का आरंभ हो जाता है। इसके पहले की जो भी कार्यवाही है कि वो सब जांच के अंतर्गत आती है। अब विचारण, विचारण शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। विचारण एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें कि किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध या दोषमुक्त विनिश्चित किया जाता है। मतलब विचारण क्या है कि इसको परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः विचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को आरोप के संबंध में क्या किया जाता है, दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जाता है। इसके जो दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जाता है तो प्रक्रिया क्या होगी, विचारण के अंतर्गत आएगी। और वरना जो है, जब आरोप जब मजिस्ट्रेट क्या अभियुक्त पर आरोप विचित करके कार्यवाही आरंभ करता है तो विचारण शुरू हो जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है, या तो अभियुक्त व्यक्ति को एक्विटल कर दिया जाता है या कन्फ्लिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और जबकि जांच में क्या होता है, दोषसिद्ध या दोषमुक्त नहीं होता, उसके पहले की कार्यवाही होती है जो मामले को स्थापित करने या सत्य बात का पता लगाने के लिए आवश्यक होती है, वह कार्यवाही क्या होती है, जांच या इंक्वायरी होती है। आइए तीनों का अंतर देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में क्या क्या अंतर है। तो पहले पहले प्रकृति संबंधी अंतर कि दो तीनों में क्या अंतर है, प्रकृति संबंधी क्या अंतर है। अन्वेषण एक न्यायिक, अन्वेषण की प्रकृति न्यायिक नहीं है, अन्वेषण जो है न्यायिक प्रक्रिया नहीं मानी जाती, जबकि जांच और विचारण दोनों ही न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। फिर क्या है कि उद्देश्य संबंधी, अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य को एकत्रित करना होता है। अन्वेषण का क्या उद्देश्य है, साक्ष्य एकत्रित करना, जो कि बताया गया है जो है 2H में। फिर क्या है, जांच का उद्देश्य अभियुक्त को दोष मुक्त करना या सत्र न्यायालय को सुपुर्द करना है। मतलब जांच का उद्देश्य क्या है, या तो अभियुक्त दोष मुक्त हो जाए या सत्र न्यायालय के समक्ष उसको सुपुर्द कर दिया जाए। विचारण का उद्देश्य अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त या दोष सिद्ध करना, कॉन्फ्लिक्ट या इक्विटल करना। फिर कह रहा है कि प्राधिकारी कौन होता है, अन्वेषण में कोई भी पुलिस अधिकारी होता है या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति होता है, किंतु वह स्वयं मजिस्ट्रेट नहीं होता है। अन्वेषण या तो पुलिस अधिकारी करेगा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति करता है, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं करता है। जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है, विचारण भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है। फिर शपथ पत्र संबंधी, अन्वेषण में उन व्यक्तियों को शपथ नहीं दिलाई जाती है जिनका परीक्षण किया जा रहा है या उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जांच में शपथ पत्र दिलाई जा सकती है और विचारण में भी शपथ पत्र दिलाई जा सकता है। कारण, अन्वेषण जो है इन्वेस्टिगेशन साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है, जबकि जांच इसलिए किया जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। जांच इसलिए की जाती है कि अभियुक्त के विरुद्ध क्या मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसलिए जांच की जाती है, इंक्वायरी की जाती है। और विचारण केवल अपराध पर विचार करने के लिए किया जाता है। विचारण किस लिए होता है, अपराध में विचार करने के लिए कि अभियुक्त व्यक्ति ने यदि अपराध किया है तो उसे दोषी किया जाए, या नहीं किया है तो उसे दोष मुक्त किया जाए। इस तरह मैंने आपको अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, जांच, इंक्वायरी और ट्रायल, विचारण को बताया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज और लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने से इनकार कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, जब मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है और नामजद FIR की गई है, तो उस कंडीशन में पुलिस अधिकारी क्या करेगा कि जांच करने से इनकार कर दे, सॉरी अन्वेषण करने से इनकार कर देगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने जो है उसे
एफआईआर दर्ज कराई है उसको लिखित में उसकी सूचना देगा कि वह क्यों नहीं कर रहा अन्वेषण, और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट को भी इस बात की सूचना देगा कि वह अन्वेषण न तो करेगा और न ही करवाएगा, क्योंकि मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है और अन्वेषण करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह क्या करेगा, इनकार कर देगा। मतलब नामजद एफआईआर होगी और उसे लगता है कि जो मामला है वह गंभीर प्रकृति का नहीं है, और साथ ही साथ उसे लगता है कि अन्वेषण करने का पर्याप्त आधार नहीं है, तो इनकार कर सकता है। जब हमें 157 देखते हैं तो उसमें यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।